ये देख सकते हैं आप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का आज दूसरा दिन है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले काली मंदिर में पूजा करते हुए दिखाई दिए थे। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां पर, तो एक प्रकार से ये 130 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व है जो प्रधानमंत्री वहां पर कर रहे हैं। निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री वहां पर समाधि स्थल पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, अपनी भावनाएं प्रकट करेंगे, तो वो पूरे भारतवर्ष की भावनाओं के तौर पर होगा। और भारतवर्ष के लिहाज से कहा जाए तो 130 करोड़ भारतीयों की भावनाओं को प्रकट करने, भारतीय की भावनाओं का उद्गार को सामने रखने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण पल। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का पहुँचना और उनका स्वागत लगातार हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खुद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी मौजूद हैं, उनके मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी वहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमने कल भी देखा कि कैसे प्रधानमंत्री को एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए खुद शेख हसीना जी पहुंची थी, जो कि प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की, प्रोटोकॉल से इतर यानी कि दोस्ती को और गहराई देने के लिहाज से उनके इस जेस्चर को देखा गया। और आज भी अब जब प्रधानमंत्री बंगबंधु के यहां पे समाधि कॉम्प्लेक्स में पहुंचे हैं तो खुद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनको यहाँ रिसीव किया। और ये रेड कारपेट ये बताता है कि कैसे भारत के प्रति बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी के प्रति एक आदर है, भारतीय लोगों के प्रति आदर है। और ये साफ तौर पे इस बात का दर्शाता है कि कैसे भारत और बांग्लादेश दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए। तो शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके स्मारक पर पहुंचे हैं, साथ में शेख हसीना उनको अगवानी करके ले जा रही है। चित्रा त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर आ गई है। चित्रा बोलिए। देखिए ये जो तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं रोहित, ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हो जाती हैं। शेख मुजीबुर रहमान साहब का बांग्लादेश के लिए, यहाँ के लिए क्या योगदान रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ का हर एक नागरिक उन्हें राष्ट्रपिता के तौर पर जानता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको बता दें, भारत की ओर से इतना बड़ा कोई चेहरा पहली बार वहां पर जा रहा है शेख साहब को अपनी श्रद्धांजलि, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और आपको ये भी बताते चले, 17 मार्च 1920 को इसी गोपालगंज में जहां पर मेरी मौजूदगी है, इस इलाके में उनका जन्म हुआ था। यहीं से अपने राजनीतिक उन्होंने आगे बढ़ाया और उसके बाद बांग्लादेश के न सिर्फ पहले राष्ट्रपति बने बल्कि उसके बाद प्रधानमंत्री भी बने। 1975 में षड्यंत्र के तहत सैनिक तत्वों की हत्या कर दी जाती है। और बांग्लादेश के अपने हिस्से को प्रभावित करने के लिए और यहाँ पे खराब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ जाना कल शाम के एक बड़े कार्यक्रम में थी। जब ढाका में शामिल रहे चले। चूंकि बंगबंधु यहाँ के लिए जब बांग्लादेश आजाद हुआ था उस समय पाकिस्तान की वो जेल में बंद थे, एक साल के बाद बांग्लादेश की आजादी के बाद एक साल के बाद उन्हें छोड़ा गया था। और उसके बाद वो यहाँ पर 1973 में उनको प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ की जनता ने अपने सिर माथे पर बिठाया था और प्रचंड जीत के साथ वो सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे थे। हालांकि 1975 का काला अध्याय भी यहाँ की जनता नहीं भूलती है। इसी वजह से अपने इस राष्ट्र नायक के इस जन्म शताब्दी को यहाँ का एक एक व्यक्ति बहुत अच्छे से मनाना चाहता है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, अगर आकर यहाँ पर बातचीत करना चाहें, बहुत ज्यादा भीड़ भी यहाँ पर लगी हुई है लेकिन सब लोग बंगाली बोलते हैं इसलिए थोड़ा सा बचते हैं कैमरे के सामने आकर बात करने में। मैं कोशिश करूंगी कि जरूर कुछ लोगों से बातचीत करें रोहित, लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री यहाँ पर बंगबंधु से जुड़ी हुई तमाम यादों को देखेंगे, शेख हसीना की वहां पर मौजूदगी है और उसके बाद फिर मंदिर का उनका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा जिसको लेकर मतुआ समुदाय की भी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आपको बता दें कि शांतनु ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और साथ ही मतुआ समुदाय का बड़ा चेहरा हरिचंद ठाकुर
कपूर के जो वंशज हैं उनकी भी इस वक्त मौजूदगी है वहां पर, लोगों से वो मुखातिब है, उनसे बातचीत कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। फिलहाल यहां पर इंतजार किया जा रहा है ओराकांडी में। लेकिन आप जो तस्वीरें तुंगीपाड़ा की देख रहे हैं, पूरा देश जो देख रहा है, मुजीबुर रहमान और हिंदुस्तान के रिश्ते भी, हिंदुस्तान की जो भी हुकूमत थी उनके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे और बांग्लादेश को आगे ले जाने में उनका बहुत बड़ा रोल था। शेख हसीना उनकी बेटी है, उनकी मृत्यु के बाद आपको बताते चले 1975 में उनकी जान चली गई, षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया गया और उसके बाद 6 सालों तक इस परिवार ने बहुत बुरा दौर देखा, जिसके बाद 1981 में यहां पर शेख हसीना बांग्लादेश में आती हैं और उसके बाद आवामी लीग को आगे बढ़ाने में फिर वो लगातार लग जाती हैं और फिर यहां की सत्ता के शीर्ष तक पहुंचती हैं। तो यहां पर भावनात्मक तौर पर अपने इस राष्ट्रपिता से जुड़ा हुआ ये मुल्क उनकी 100वीं जयंती मना रहा है, ये राष्ट्र अपनी आजादी के 50 साल पूरे होने पर जश्न मना रहा है और ये राष्ट्र हिंदुस्तान के साथ अपने कूटनीतिक रिश्तों के 50 साल पूरे होने पर भी जश्न की तैयारियां और उसकी तस्वीरें। नरेंद्र मोदी का ढाका में मुजीबुर रहमान के स्मारक पर इस वक्त मौजूद है और वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। भारत बांग्लादेश के संबंधों में ये अपने आप में एक नया अध्याय। सर्वश्रेष्ठ बांगाली जातির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের आजादी क्या होती है। लेकिन उसके बाद लगातार चूंकि वैचारिक तौर पर, विचारधारा के तौर पर, सांस्कृतिक के तौर पर, रहन सहन के तौर पर, खान पान के तौर पर दोनों बिल्कुल अलग और अलहदा थे, यही कारण रही कि पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से हमेशा पूर्वी पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता रहा, यहां के लोगों को टारगेट किया जाता रहा, यहां पर जुल्म ढाए जाते रहे। लेकिन फिलहाल ये जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें आजादी यहाँ के लोगों के संघर्षों के बाद मिली और उस संघर्ष को सेलिब्रेट करता हुआ ये पूरा का पूरा मुल्क। और इस वक्त जो तस्वीरें प्रधानमंत्री की देख रहे हैं हमारे दर्शक, मैं भी वहां पर गई थी, चूंकि इस समय सुरक्षा कारणों की वजह से अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन वहां पर जब हम गए थे बड़ी बड़ी तस्वीरों से पूरे हिस्से को सजाया गया है। बंगबंधु से जुड़ी हुई जितनी भी यादें हैं, उनके संघर्ष की जितनी दास्तान है, वो सारी तस्वीरें हम सबने देखी, कैमरे में कैप्चर किया, अपने दर्शकों तक पहुंचाया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित वहां पर पहुंचे हुए हैं और उन्हें न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनके योगदान का स्मरण कर रहे हैं, बल्कि बांग्लादेश को बनाने में बंगबंधु की जो भूमिका रही है, यकीनन बांग्लादेश के नौजवानों के लिए वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और इन तस्वीरों के जरिए एक बड़ा मैसेज न सिर्फ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना देना चाहती हैं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। इसके अलावा भी कल प्रधानमंत्री की यात्रा का जब पहला दिन था, उस वक्त प्रधानमंत्री ने काले रंग की मुजीब जैकेट पहनी थी, ये भी अपने आप में एक सम्मान का संकेत था। और आज प्रधानमंत्री उनके मजार पर इस समय मौजूद हैं, वहां पर श्रद्धा सुमन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्पित किए हैं, उनका स्वागत किया वहां प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अगवानी करके, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहां गई हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां श्रद्धांजलि अर्पित की है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मजार पर। देख सकते हैं आप तस्वीरें, एक राष्ट्र अध्यक्ष के तौर पर पूरे सम्मान, सैनिक सम्मान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां समाधि स्थल पर मौजूद हैं, मजार पर मौजूद हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। तो इस बांग्लादेश के दौरे को प्रधानमंत्री के कूटनीतिक और राजनीतिक दोनों नजरियों से देखा जा रहा है। राजनीतिक इसलिए क्योंकि बंगाल में इस वक्त चुनाव है और इसके थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री ओराकांडी मंदिर जाएंगे, जहां हरिचंद ठाकुर को मानने वाले मतुआ समुदाय के लोगों से उनकी मुलाकात होगी, जिनका एक बड़ा वोट बैंक बंगाल में है। इसके अलावा कूटनीतिक इन्हीं सब कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे और इस यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश के बीच कई अहम समझौतों पर बात भी होगी और दस्तखत भी होंगे, लिहाजा कूटनीतिक और राजनीतिक तौर पर दोनों नजरियों से
इस दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है। लिहाज से कहा जाए तो क्या प्रधानमंत्री वहां पर कुछ संदेश भी लिखेंगे, इस पर भी नजर है सबकी, क्योंकि वहां पुस्तिका रखी हुई है। बहुत मुमकिन है कि पीएम वहां पर बैठे और संदेश बांग्लादेश के लिए शेख मुजीबुर रहमान के लिए प्रधानमंत्री वहां पर लिखें। चित्रा, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो बोलिए। देखिए, गांधी शांति पुरस्कार भी हिंदुस्तान की ओर से मरणोपरांत दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान साहब को। और यकीनन आपने जिस जैकेट का भी जिक्र किया, चूंकि प्रतीकों का बहुत ज्यादा महत्व होता है रोहित, और यही कारण रही कि कल जब एक बड़ा कार्यक्रम नेशनल डे के तौर पर मनाया जा रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजीब जैकेट पहनकर वहां पर पहुंचे हुए थे, काले रंग का। तो अपने क्लोथ के जरिए, अपने कपड़ों के जरिए, अपनी बातों के जरिए, इस सम्मान के जरिए जो गांधी शांति पुरस्कार उनको दिया गया है, एक बड़ा संदेश हिंदुस्तान देना चाहता है कि कैसे बांग्लादेश को लेकर भावनात्मक तौर पर हम सब जुड़े हुए हैं। और यकीनन बांग्लादेश के लोग भी उसी तरह से अपनी बातों को, कल जब मैं बात कर रही थी गौहर रिजवी साहब जो कि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं शेख हसीना जी के, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनकी ओर से कहा गया कि बांग्लादेश की आजादी में हिंदुस्तान की जो भूमिका रही, हम हमेशा उनके ऋणी हैं, और आज इस खास मौके पर भी हम हिंदुस्तान का शुक्रिया अदा करना नहीं भूलेंगे। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां आना हम सबके लिए बहुत मायने रखता है। हम सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन की बड़ी खेप के साथ यहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हुए हैं, और कोरोना वैक्सीन जो उन्होंने बांग्लादेश को मुहैया कराई थी उसको लेकर भी यहां के लोगों की ओर से, यहां की सरकार की ओर से भारत का शुक्रिया अदा किया था। फिलहाल ये तस्वीरें जो शेख मुजीबुर रहमान साहब के मजार के आसपास की हमारे दर्शक देख रहे हैं, यही वो जगह है जहां पर उनका जन्म हुआ था। 1920 में उनका जन्म हुआ था, मार्च का महीना था, 17 तारीख। और आपको बताते चले कि 1975 में षड्यंत्र के तहत उनको मार दिया जाता है उनके परिवार के कुछ सदस्यों के साथ। लेकिन उसके बाद जिस तरह से राजनीति यहां पर बदलती है, करवट लेती है, बांग्लादेश लगातार मजबूत होता गया, और जो सपना उन्होंने इस पूर्वी हिस्से को लेकर देखा हुआ था, पूर्वी पाकिस्तान का यह हिस्सा था जब बाद में 1971 में यह आजाद होता है उसके ठीक पहले, तो उस सपने को यहां के लोगों ने पूरा किया है, और वही जिम्मेदारी अब यहां की सरकार पर भी है। देखिए, 1947 के दौरान भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में अलग अलग तरह की गृहयुद्ध की स्थिति देखी जा रही थी। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को लगातार तंग करते थे, और इसी वजह से शेख साहब ने आवामी लीग नामक अपनी पार्टी बनाई थी 1950 के पहले, और लगातार वो यहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करते रहे, जिसके बाद वो पॉपुलर होते हुए चले गए। लेकिन यही चीज पश्चिमी पाकिस्तान के हुक्मरानों को रास नहीं आती थी, इसीलिए बार बार वो शेख मुजीबुर रहमान साहब को निशाने पर लेते रहे थे। तो एक लंबा इतिहास रहा है उनके संघर्षों का, कई बार उनको जेल जाना पड़ा। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, और यकीनन जब आजादी मिली थी उस समय भी वो पाकिस्तान की जेल में थे, लेकिन आजादी के बाद रिहा करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान का क्या हश्र हिंदुस्तान की ओर से किया गया था ये पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तान को दो टुकड़ों में काटकर एक नए देश का जन्म होता है बांग्लादेश, जो अब नई उम्मीदों के साथ, आपको बताते चले जीडीपी के मामले में बांग्लादेश ने एक नई लकीर खींची है, यहां पर विकास के पैमाने पर भी अगर हम बिल्कुल इंटीरियर अलग अलग हिस्सों में भी जाएंगे तो मैं देख पाती हूं यहां पर सड़कें बहुत ज्यादा अच्छी हैं, यहां के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं एक उम्मीदों के साथ, और यकीनन पाकिस्तान से अलग होने के बाद तेजी से तरक्की करता हुआ यह मुल्क यहां पर दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे शेख मुजीबुर रहमान की मजार पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने, और विजिटर्स बुक में इस वक्त प्रधानमंत्री संदेश लिख रहे हैं। हमने आपको पहले इस बात का संकेत दिया था कि जो तस्वीरें आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठेंगे और वहां पर कोई संदेश पीएम लिखेंगे। तो प्रधानमंत्री वहां पर विजिटर्स बुक में संदेश लिख रहे हैं। कुछ ही देर के बाद वो तस्वीर भी सामने होगी कि भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश यात्रा के दौरान यहां विजिटर्स बुक में क्या लिखा। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं तब तक। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए उनकी मजार पर जाकर, समाधि स्थल पर जाकर, और कल उन्होंने सम्मान दिया था बंगबंधु को मुजीब जैकेट पहनकर। जो खबरें थी उसके मुताबिक भारतीय उच्चायोग ने बांग्लादेश से करीब 100 जैकेट्स का ऑर्डर दिया था, यानी कि तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के तौर पर, उन सबको भी ये संकेत, ये संदेश पहले से स्पष्ट किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर है। ये काली जैकेट जो प्रधानमंत्री ने कल पहनी थी, ये मुजीब जैकेट के तौर पर जानी जाती है बांग्लादेश में। और आज बंगबंधु को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे उनके स्मारक स्थल पर, और वहां विजिटर बुक में
उन्होंने अपना संदेश भी लिखा है शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद। तो दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और थोड़ी देर में मथुरा समुदाय के मंदिर जाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसका राजनीतिक मायना भी बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पीएम मथुरा समुदाय के 300 लोग करीब रहते हैं, उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और यह माना जा रहा है कि उसका सीधा असर बंगाल में जो मथुरा समुदाय के वोटर हैं, जो 70 सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं, उनसे एक तरीके का कनेक्ट बिल्ड करने की कोशिश ये प्रधानमंत्री की है। हालांकि आपको याद दिला दें, गृहमंत्री अमित शाह भी गए थे और उन्होंने मथुरा समुदाय से जुड़े व्यक्ति के घर पर भोजन भी किया था। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक और कनेक्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज इसको कहा जा रहा है मथुरा समुदाय के वोटरों के साथ। हालांकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि विदेश यात्रा को कूटनीतिक तौर पर देखा जाना चाहिए, राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन इस प्रतीकों की राजनीति का भी विश्लेषण होता है और आज भी होगा जब प्रधानमंत्री जाएंगे मथुरा समुदाय के लोगों से मिलेंगे। वहां वो क्या बात करेंगे, क्या संदेश देंगे, वो संदेश बांग्लादेश के लिए होगा या भारत में बैठे उन तमाम लोगों के लिए भी होगा जिनको अगले 8 चरण में बंगाल में वोट डालना है, इस पर आज सबकी नजर रहेगी। संजय जी मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा इसीलिए रहा हूं रोहित, क्योंकि जब वो वहां संदेश देंगे तो ऐसा तो है नहीं कि ये संदेश सिर्फ बांग्लादेश के लोग ही सुनेंगे तो सभी लोग, और वो जो लोग बंगाल में वोट आज दे रहे हैं और अगले 7 चरणों में जो वोट देंगे और खासकर समुदाय के वोटर जो वोट देंगे, निश्चित रूप से वो भी इसको सुन रहे होंगे। लेकिन अब इस संदेशों का कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। 2 मई को जब वोटिंग वोट की काउंटिंग होगी तभी हमें पता चलेगा। कहीं 200 पार हो गए जैसा दावा कर रहे हैं विनोद जी, तब तो यही कहा जाएगा कि वहां चले गए थे और देखिए वहां से पूरा चलता रहा इसलिए ये सब हो गया। तब क्या कहा जाएगा, वो तो तब की बात होगी। आजकल तो पहले पता लग जाता है कब कौन क्या कहेगा। नहीं, लेकिन ये एक बात उनकी उस चीज की टूलकिट भी तो तय रहती है ना। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपने एक चीज कही ना कि इसको राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, कूटनीतिक तौर पर देखा जाना चाहिए। लेकिन एक सवाल तो उठता है कि बांग्लादेश तो पहले भी गए प्रधानमंत्री, लेकिन मथुरा समुदाय का जो तीर्थ स्थल है वहां इस बार जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए, ये प्रश्न भी उठ सकता है। बिल्कुल, इसलिए चीजें राजनीतिक कूटनीतिक दोनों एक साथ होती है। विनोद जी पहले चुनाव नहीं थे, चुनाव हो रहा है। हाँ, इसीलिए वो राजनीतिक उसका महत्व हो जाता है। संगीत यात्रा का, संगीत जी बोलिए, पहले क्यों नहीं गए, आज क्यों जा रहे हैं? देखिए, ये सवाल तो आप हमेशा ये बना हुआ रहता है कि आपने यदि ये काम किया तो वो काम पहले ने क्यों नहीं किया, अब आज कर रहे हैं तो कहते हैं आपसे 5 साल पहले क्यों नहीं किया, व्हाट अबाउट री, अरे 370 आज खत्म कर दिए, पहली बार क्यों व्हाट अबाउट री कहा जाता है, आप भी कम नहीं करते हैं। नहीं नहीं, देखिए मैं तो रोहित जी एक बात छूट गई थी, बंगाल से जोड़ देता हूँ, रोहित जी एक बात छूट गई थी, हम यहाँ पर किसी की इमामों को पैसा देते हैं, पुजारियों को क्यों नहीं देते हैं? नहीं नहीं, देखिए सवाल ये है कि मैं तो ये शुरू से कहता हूं कि आप जाति या आप धर्म के आधार पर नीतियों को मत बनाइए। यदि नीतियां धर्म के आधार पर बनाएंगे तो माइनॉरिटी मेजोरिटी का पोलराइजेशन होगा ही होगा। यदि गरीब है, चाहे वो हिंदू है मुस्लिम है, उसके लिए कर दीजिए ना। सच्चर कमेटी कहती है कि भाई मुसलमानों के गलियों में आप बैंक कीजिए, मुसलमानों के, अरे जहां बैंक की जरूरत है वहां खोलिए, जहां पर स्कूलों की जरूरत है वहां खोलिए, जहां पर विश्वविद्यालय की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है वहां खोलिए, लेकिन मुसलमानों के मोहल्ले में खोलिए। ये जो साइकी जो नीतिगत बनाए गए हैं 70 साल के अंदर, इसी ने पूरी राजनीतिक दिशा को, राजनीतिक चरित्र को खत्म किया है। मैं तो कहता हूं इससे आप ऊपर उठ करके क्यों नहीं काम करते हैं। आज मटुआ समुदाय, आप बांग्लादेश से आए हुए लोगों को आप बसाने के लिए आप उनको वोटर आईडी कार्ड दे देते हैं, उनको पैन कार्ड दे देते हैं, उनको सारी व्यवस्था कर देते हैं। वो इलीगल तरीके से आकर के रह गए, अवैध तरीके से आकर के रह गए, आपके संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं और उनकी प्रतिबद्धता भारत के लिए है या बांग्लादेश के लिए यह सुनिश्चित। लेकिन जो मटुआ समुदाय के लोग, आप उनको परमानेंट विस्तार से मौका मिलेगा। अभी देखिए पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री, वहां गए हैं मटुआ समुदाय पे, अभी लंबी बात होगी क्योंकि जब पीएम मिलेंगे तभी मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा जरूर और आपको पक्का पूरा मौका मिलेगा इस पर अपनी बात कहने का संगीत जी। लेकिन अभी जो तस्वीरें आ रही हैं वो आ रही हैं पौधारोपण की तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय स्मारक है जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और राष्ट्रीय स्मारक के साथ साथ बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मजार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, अंदर तक गए, पूरा वहां रहे कुछ समय तक और यहां वापस लौटने के बाद एक
स्मृति चिन्ह के तौर पर अक्सर जब कोई राष्ट्राध्यक्ष एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो वहां इस तरीके से पौधारोपण होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण में भाग लिया है यहां पर, और उसके बाद वो शेख हसीना से इस समय बात कर रहे हैं। तुंगीपारा कहा जाता है इस इलाके को, इस जगह का नाम है जहां पर ये राष्ट्रीय स्मारक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान का बना है, और यहीं तुंगीपारा में ही शेख मुजीबुर रहमान का जन्म भी हुआ था। बांग्लादेश की आजादी के महानायक शेख मुजीबुर रहमान कहे जाते हैं, और आज प्रधानमंत्री के बांग्लादेश दौरे के दूसरे दिन उनके स्मारक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उसी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद अगला कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और अकांडी मंदिर जाने का, जहां मतुआ समुदाय के लोगों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, जिसको राजनीतिक तौर पर आज बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कमेटी रिसेप्शन में भी शामिल होंगे, इसके अलावा वहां पर जो मतुआ समुदाय का जो महत्वपूर्ण जो मंदिर है वहां पर भी वो पूजा अर्चना करेंगे। तो काफी खास कार्यक्रम के लिहाज से आज की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। खुद प्रधानमंत्री लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि महात्मा गांधी हों या बंगबंधु हों, उनके द्वारा दिखाए हुए जो रास्ते हैं वही हमारे दोनों देशों का भविष्य को लिए बड़ा एक रोड मैप दिखाते हैं, एक तरीके से तैयारी करते हैं कि कैसे दोनों देश मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। और कल प्रधानमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बेहद सुखद संयोग है कि बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष और भारत की आज़ादी के 75 वर्ष एक साथ लगभग एक वर्ष में आ रहे हैं, और यहाँ से इस पड़ाव से हमको अभी आगे ये तय करने की जरूरत। तस्वीरें आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, बंगबंधु के मजार पर पीएम मोदी गए, शेख हसीना साथ में थी, और साथ ही उसके पहले स्मारक पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की, और साथ ही पीएम ने वहां पर पौधारोपण भी किया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी पीएम मोदी के साथ में मौजूद हैं, और यह भी बता दें कि विजिटर बुक में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश वहां पर लिखा है। प्रधानमंत्री के दूसरे दौरे के दूसरे दिन ये तस्वीरें वहां से लाइव जो आ रही हैं हम आपको दिखा रहे हैं।